भारत को घेरने के लिए नेपाल में अपनी धाक जमा रहा था चीन। पिछले 7 सालों से नेपाल को कब्जाने की साजिश कर रहा है चीन, लेकिन भारत के सीक्रेट वार से फेल हो गए चीन के सारे षड्यंत्र। नेपाल में चीन के बनाए एयरपोर्ट्स पर भारत का होने वाला है कब्जा। भारत ने तोड़ दी नेपाल में BRI प्रोजेक्ट की पहली ही कड़ी। दोस्तों, चीन एक व्यापारिक देश है और जहां तक हो सके वो अपने व्यापार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है, ताकि वो तगड़ा मुनाफा कमा सके, और इसी मुनाफे के बल पर वो दुनिया के देशों को भारी भरकम कर्ज देता है। इतना कर्ज कि उस देश की 7 पुश्तें भी इस कर्ज का आधा हिस्सा भी ना चुका पाए। चीन किसी देश को ऋण देता है तो उसकी वापसी की समय सीमा जरूर तय करता है, और वो ये भी जानता है कि सामने वाला देश उस कर्ज को चुकाएगा या फिर नहीं। समय सीमा खत्म हो जाने और लोन वापस न करने पर पहले से तय साजिश के अनुसार उस देश के पोर्ट्स, बेसिस, हवाई अड्डे, विशाल भूखंड छीन लेता है, और इसका विरोध वो देश कर भी नहीं पाता है क्योंकि उसने चीन का कर्ज नहीं चुका पाया है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के कम से कम 49 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2000 से 2022 के बीच 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण अकेले चीन से लिया है, और इन देशों में शायद ही कोई देश हो जो टाइम पर चीन का कर्ज चुका पा रहा हो। श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, जो कंगाली और ऊपर से चीन का लोन लेकर ऐसा बर्बाद हुआ कि उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को देना पड़ गया। अब पोर्ट देना पड़ा चीन को और नुकसान में चला गया भारत, क्योंकि ये पोर्ट भारत के नजदीक ही है और यहाँ पर चीन अब अपना नेवल बेस स्थापित करने की फिराक में है। बंदरगाह के साथ ही श्रीलंका को 15,000 एकड़ जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी। ये जमीन भारत से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं दोस्तों, कमोबेश यही हाल नेपाल का भी है। उसने भी बेतहाशा चीन से कर्ज ले रखा है और वो किसी भी हाल में ये कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है। अब चीन की नजर नेपाल के हवाई अड्डों के साथ साथ कई जगहों पर है, साथ ही वो नेपाल के पूर्वी सीमावर्ती जगहों पर कब्जा भी कर चुका है। दोस्तों, इस पूरे वाक्य को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि कैसे चीन पहले छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उसे अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उसकी संपत्ति को कब्जा लेता है। नेपाल अब चीन की इस नियत का शिकार होने वाला है। चीन ने नेपाल में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बनाए हैं, लेकिन इनसे रत्ती भर भी कमाई नहीं हो रही है। लिहाजा अब अपना स्वार्थ साधने के लिए इस वक्त चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग नेपाल में हैं। यानी चीन नेपाल में कोई बड़ा कांड करने की फिराक में है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान भारत ने सीक्रेटली कुछ ऐसा काम कर डाला है जिसकी भनक तक चीन को नहीं लगी और भारत ने नेपाल में चीन का खेल खत्म कर दिया है। नेपाल में जिन हवाई अड्डों को बनाकर चीन कांड करने की फिराक में था, वहां पर भारत ने खेल कर दिया है। यूं मानकर चलिए कि नेपाल में चीन ने जो एयरपोर्ट्स तैयार किए थे, उन पर भारत का कब्जा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से भारत ने नेपाल में चीन की साजिशों को फेल कर दिया है और उसी के बनाए एयरपोर्ट पर अधिकार भारत का होने वाला है। साइलेंटली नेपाल में भारत ने कर डाला बड़ा खेल। नेपाल में चीन के ही बनाए हवाई अड्डों पर भारत का होगा कब्जा। दरअसल दोस्तों, चीन ने श्रीलंका को अपने जाल में फंसाने और उसके क्षेत्र में घुसपैठ करके भारत की घेराबंदी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर जब उसे कोलंबो में कामयाबी नहीं मिली तो अब वो नेपाल में नई चाल चलने में लग गया है। नेपाल और भारत की दोस्ती में दरार लाने के लिए चीन वर्षों से प्रयास कर रहा है। नेपाल और भारत की दोस्ती में दरार लाने के लिए चीन वर्षों से प्रयास करता रहा है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों को जारी रखे हुए है। इस दौरान
चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग नेपाल में हैं और अपने बनाए नेपाल के दो एयरपोर्ट्स के एवज में नेपाल में कोई बड़ा कांड करने की फिराक में थे। लेकिन यहां पर खुलासा हुआ है कि भारत ने चीन के सारे प्रयास फेल कर दिए हैं। नेपाल में जिन एयरपोर्ट्स पर चीन की नजरें थी वो अब भारत के कब्जे में आने वाले हैं। जी हां, इसको लेकर एक धमाकेदार खबर सामने आई है। खबर आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल के 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन भारतीय कंपनी को मिल सकता है। नेपाली अधिकारी भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शीर्ष अधिकारियों के साथ हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड यानी AAHL के वरिष्ठ अधिकारी नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी CAAN के साथ बातचीत कर रहे हैं। नेपाली अधिकारियों से ये बातचीत जनवरी से ही हो रही है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने भारत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महत के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान अडानी ने नेपाल के हवाई अड्डे और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने में रुचि जताई थी। नेपाल में कहा गया है कि नेपाली अधिकारियों ने हवाई अड्डे के संचालन के प्रबंधन के लिए बोली में हिस्सा लेने के लिए भारतीय कंपनी को पेशकश की है। मजे वाली बात यह है कि नेपाल ने जिन 3 हवाई अड्डों को तीसरी कंपनी को आउटसोर्स करने का फैसला किया है उसमें चीन द्वारा वित्त पोषित और चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा और गौतम बुद्ध हवाई अड्डा भी है। इस हवाई अड्डे के लिए दिए गए कर्ज की वसूली में चीनी बैंकों पर लूट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि चीन ने पहले से निर्धारित दरों को बाद में बदल दिया है। इसके अलावा 2 अन्य गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। यानी नेपाल में चीन के पैसों से बने एयरपोर्ट पर कब्जा भारत का होने वाला है। नेपाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब वो हवाई अड्डों के संचालन में घाटा उठा रही है। ऐसा माना जाता है कि केवल काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही वर्तमान में लाभ में चल रहा है, बाकी के दोनों हवाई अड्डे घाटे में ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध एयरपोर्ट का निर्माण चीन के नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा किया गया था। वहीं पिछले साल जनवरी में उद्घाटन किए गए पोखरा एयरपोर्ट के लिए चीन के आयात निर्यात बैंक ने $21.5 करोड़ के ऋण की मदद से किया गया था। पोखरा हवाई अड्डा नेपाल में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत निर्मित प्रमुख परियोजना है। चीन के भारी कर्ज से बने ये एयरपोर्ट अब नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। उधर कर्ज वसूली में चीन का खेल भी नेपाल की मुश्किल बढ़ा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं और चीन इसी का इस्तेमाल नेपाल जैसे देशों को फंसाने के लिए करता है। ये शब्द यानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी सिर्फ चीन के लिए ही इस्तेमाल होता है। इस पर चीन तर्क देता है, इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि उसके विरोधी मानते हैं कि चीन ऐसा करके छोटे देशों को कब्जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 2013 से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चीन के इस प्रोजेक्ट को जो देश समर्थन दे रहा है उनमें से ज्यादातर अब चीन के कर्जदार बन गए हैं।